सब्सक्राइब कीजिए एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आप कोई भी करियर अपडेट मिस ना कर सकें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल सिंह, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज 12 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप इस वीडियो और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है जरूर से इसको लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, यानी कि किनको बनाया गया है? तो तुषार मेहता को बनाया गया है, ये सॉलिसिटर जनरल बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो तुषार मेहता आपके रंजीत कुमार का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? रंजीत कुमार का स्थान लेंगे। और वर्तमान में जो तुषार मेहता हैं वो क्या हैं? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का इनके पास क्या है? अतिरिक्त प्रभार है। और ये 2020 तक, आपके 30 जून 2020 तक ये आगे के आदेश तक कार्यालय में रहेंगे। जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या है कि भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग का कानून अधिकारी है, यानी कि जो पहला सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो उच्च रैंकिंग का अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। तो इस समय आपके अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आपके के वेणु गोपाल हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा समुद्री संगोष्ठी 2018 की मेजबानी किसने की? तो किसने की? भारतीय नौसेना द्वारा इसकी मेजबानी की गई, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा? चलिए अब इसको रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो एक दिवसीय संगोष्ठी का विषय क्या रहा? तो विषय था कि हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत समुद्री साझेदारी बनाना। और क्या है इससे एक पॉइंट और है इसमें, कि उभरते समुद्री खतरों से निपटने के लिए संगोष्ठी का ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र नौसेना के बीच क्षमता निर्माण पर है। यानी कि कोई हिंद महासागर में कोई खतरा ना आए तो उसके लिए ये जो मीटिंग अरेंज की गई थी। और क्या है, नौसेना की क्षमता को डेवलप करना है, निर्मित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस द्वीप पर रोरो फेरी सेवा प्रारंभ की? तो किस द्वीप पर रोरो फेरी सेवा प्रारंभ की है? तो माजुली द्वीप पर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप है ये माजुली द्वीप, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए इसको रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने माजुली द्वीप के लिए असम सरकार के सहयोग से क्या है, रोरो फेरी सेवा शुरू की है। और ये क्या है, ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई रोरो सेवा के लिए एक नया पोत MV भूपेन हजारिका, क्या नाम है, MV भूपेन हजारिका खरीदा है। और क्या है, माजुली असम की ब्रह्मपुर नदी पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, या फिर आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप है। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। और आपको मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको रोरो रोरो जो फेरी है, रोरो फेरी सेवा है, तो रोरो का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका जवाब आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपका, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति के दौरान पूर्ति करना, और क्या है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं या उन चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। और इसका विषय क्या रहा, यानी कि जो अभी 2018 में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया उसका विषय क्या रहा? तो उसका विषय था विद हर अ स्किल्ड गर्ल फोर्स, विद हर अ स्किल्ड गर्ल फोर्स। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था 11 अक्टूबर 2012 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एयर एशिया इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं आपके, सुनील भास्करन बने हैं। कौन? सुनील भास्करन बने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए बेसिक रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो एयरलाइन पर संयुक्त रूप से टाटा सन्स और एयर एशिया BHD का स्वामित्व है। किसका किसका है? टाटा सन्स और एयर एशिया BHD का स्वामित्व है। और ये क्या है, भास्करन वर्तमान में टाटा स्टील में कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष हैं।
और अगर बात करें एयर एशिया इंडिया की बाज़ार में हिस्सेदारी की, तो ये लगभग 5% से भी इसकी हिस्सेदारी कम है। उसके बेड़े में कितने विमान हैं, तो टोटल 19 विमान है, यानी कि 19 विमान है इसके बेड़े में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट्स के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अब इससे कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उसका उद्घाटन किया। और इसका विषय क्या रहा, तो डिजिटल युग में थोक बाजार चुनौतियां और अवसर, ये इसका विषय रहा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, डिजिटल युग में थोक बाजार चुनौतियां और अवसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का शुभंकर किसे बनाया गया, यानी कि मैस्कॉट। मैस्कॉट किसके बनाया गया है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का शुभंकर, तो ओली को बनाया गया है। ओली को, ये क्या है, ये एक टर्टल है, ये क्या है, टर्टल है, ओलिव रिडली टर्टल है, समुद्री कछुआ, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए इससे कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, आपकी ओडिशा में आयोजित की जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ओली आपका क्या है, एक टर्टल है। हाँ, कि विश्व कप जो है आपका ये 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के मध्य खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ओली क्या है, ओली लुप्त प्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है, ओलिव लुप्त प्राय ओलिव रिडली समुद्री कछुओं का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का मुख्य सांख्यिकी वित्त और सांख्यिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया, यानी कि दो पदभार इनको दिए गए हैं, तो किसे नियुक्त किया गया, प्रवीण श्रीवास्तव को। किसको, प्रवीण श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए इससे कुछ बातें जान लेते हैं इनके बारे में। तो इससे पहले इन्होंने सांख्यिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में काम किया है। और ये क्या है, ये प्रवीण श्रीवास्तव जो है आपके 1983 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकारी हैं। किस बैच के, 1983 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार किसने संभाला है, तो किसने संभाला है, राकेश शर्मा ने संभाला, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारतीय राज्यों में आए तूफान का क्या नाम है, क्या नाम है, तितली नाम है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि उड़ीसा है और उड़ीसा के आसपास जो तट हैं और आसपास के जो राज्य हैं उनमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसका उन राज्यों पर इसका असर देखा गया है। किसका, तितली चक्रवात का, तितली तूफान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस यूनिवर्सिटी ने विश्व के पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है, तो किसने की है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। किसने, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की है। इसका क्या है, इसको मरीज के अंदर, जब ये कोई मरीज पेशेंट इसको लेता है, तो क्या है, इसको बाहर से ही हम ऑपरेट कर सकते हैं और बीमारी का पता लगा के अच्छी तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस अफ्रीकी देश ने चीन के साथ 40 करोड़ डॉलर की लागत वाले एयरपोर्ट बनाने का सौदा रद्द कर दिया है, तो किसने कर दिया है, ये तो सियेरा लियोन ने ऐसा किया है। ये क्या है, एक अफ्रीकी देश है, पश्चिमी है, पश्चिमी हिस्से का देश है, ये पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। ये गिनी गिनी और सियेरा लोन लियोन बिल्कुल लगे लगे हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो ये कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ये पड़ता है। तो ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर से बताएं। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रखिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।